हाय फ्रेंड, मेरे पास आज एक टेक्नो कैमोन 18 मोबाइल आया है जो फ़ोन ऑटो रिस्टार्ट कंडीशन पे है। अभी यहाँ पे देखिए, जो ये फ़ोन को ऑन करने के लिए मैंने कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये फ़ोन ऑन हो रहा है और फिर से ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है। फिर से ऑन हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो रहा है, देखिए यहाँ पे। तो इसका जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने इस वीडियो पे दिखाया। तो ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा जो इसका जो सोल्यूशन है, मैंने ये सोल्यूशन कैसे किया है। अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन ऑटो रिस्टार्ट प्रॉब्लम पे लेके आता है तो आप लोग आसानी से ये जो सिस्टम से वो सॉल्व कर सकते हो। और वो कैसे पहचानोगे जो ये जो मैंने इसका जो रिपेयरिंग किया है ये इशू वहाँ पे कम कर जाएगा, तो कैसे पहचानोगे उसका भी मैं एक आसान ट्रिक्स बताऊंगा इस वीडियो पे। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, चलते हैं वीडियो पे। तो फ्रेंड, इसका जो बैक हाउसिंग है ये पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो ये बहुत हार्ड ग्लू से लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हॉट एयर गन से थोड़ा हॉट कर लूंगा ये बैक पैनल। तो ये जो ग्लू है नीचे का, ये आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए, मैंने इसका जो बैक हाउसिंग है वो निकाल दिया। अभी इसका जो कैमरा ग्लास है वो भी निकलना है, बहुत ध्यान से निकलना है क्योंकि यहाँ पे वो टूटने का भी चांस रहता है। तो मैंने यहाँ पे फैल्कन यूज करूंगा, तो उसमें क्या होगा, इसका जो ग्लू है थोड़ा सा लूज हो जाएगा। देखिए, ये आसानी से निकल गया है। तो इसका जो जितना सारा स्क्रू है ये मैंने पहले निकल लेता हूँ। देखिए, ये जो फोन है इसे फुल्ली डिसेम्बल कर लिया मैंने। अभी इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान काम है। इसका जो बैटरी है वो बैटरी को निकल लेना है, देखिए। और अगर आपके पास कोई ये ऑटो रिस्टार्ट प्रॉब्लम लेके आता है कोई मोबाइल, तो वो मोबाइल को एक बार चार्ज पे लगा के देखिएगा। अगर वो फोन आपका ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होना बंद हो जाएगा तो ये ट्रिक्स, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका काम पे लग जाएगा, ठीक है। और अगर ये जो प्रोसेस है इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आपका चार्ज पे लगाने के बाद भी रिस्टार्ट हो रहा है, फिर भी आप अगर आप ट्राई कर सकते हो ये जो प्रोसेस है, तो अगर हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये आगे जो बैटरी का आगे जो ब्लैक टेप है ये पहले निकल लेना है। यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है जो क्यू लिखा है, इसमें कैपिटल लेटर में क्यू है। तो ये जो रजिस्टर है इसका वजह से ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है ये होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो रजिस्टर है इसे शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिमूव करके भी शॉर्ट कर सकते हो और यहाँ पे लगाने के बाद भी ऐसे ही भी शॉर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा। देखिए, यहाँ पे जो जम्पर वायर है वो जम्पर वायर से ये शॉर्ट करना है। देखिए, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ इसे। ये बहुत आसान काम है। आप एक बार आपका जो, अगर आपके शॉप पे कोई फोन आएगा ऑटो रिस्टार्ट प्रॉब्लम लेके, तो आप ये एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, नहीं होगा तो दूसरा जो ट्रिक है वो अप्लाई कर लेना आपका मर्जी से, लेकिन ये एक बार ट्राई करके देखना। अभी जो जितना सारा फोन आ रहा है एंड्रॉयड फोन, ये मैक्सिमम MI का जो फोन है उसमें मैक्सिमम में इशू हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है। और टेक्नो में भी है, इन्फिनिक्स में भी है। देखिए, मैं यहाँ पे जम्पर कर दिया। और अगर आपके पास कोई वारंटी पे टेक्नो का और इन्फिनिक्स का, आईटेल का, ये तीन ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट आपके पास है, उसका अगर नज़दीकी सर्विस सेंटर नहीं मिल रहा है तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उसका जो सर्विस मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। अभी ये जो बैटरी है, ये बैटरी को मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी देखिए, ये फ़ोन बिल्कुल ही ऑन नहीं हो रहा था, ऑटो रिस्टार्ट हो रहा था। अभी देखिए आप, ये फ़ोन ऑन हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये जो फ़ोन है, ये देखिए, ये फ़ोन ऑन हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और कोई भी इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, आगे और भी इस टाइप के वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।